हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी। आज मैं आपको क्लास 11 मैथ का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, सेट। तो पहले हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है। सेट का डेफिनेशन, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस अ नंबर 1 2 3 4 या फिर इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर ए बी सी डी ई एफ, ये तो ये सब ऑब्जेक्ट हुआ। तो इसको हम सेट बोल सकते हैं। लाइक इंग्लिश अल्फाबेट, ये भी सेट हुआ। हमारे क्लास में जितने स्टूडेंट है वो भी क्या हुआ, सेट हुआ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेट का एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखते हैं। सेट, ओके। तो सेट का पहले हम लोग क्या डेफिनेशन एक अच्छा सा लिखते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कुछ एग्जांपल लिखते हैं सेट का। एग्जांपल में हम लोग ये ले सकते हैं, अ स्टूडेंट इन अ क्लास, अ स्टूडेंट इन अ क्लास। ये एक सेट का एग्जांपल है। स्टूडेंट क्लास में जितने भी होंगे वो एक सेट का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी क्या हो गया, सेट का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स जो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये भी एक सेट का एग्जांपल है, ओके। तो हम लोग देखते हैं सेट को हम लोग दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। टू फॉर्म में सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सेट का पहला फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, टेबुलर फॉर्म, ओके। तो इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं रोस्टर फॉर्म होता क्या है। तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल। तो सेट लिखने से पहले हम क्या करेंगे, सेट का नाम लिखेंगे, और सेट का नाम हम लोग लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर्स है। इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर लाइक ए, ए का जगह हम लोग एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी, या फिर बी सी। तो ये सब हम लोग सेट का नाम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेट का नाम लिखने के लिए यूज करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट का ए को, ओके। तो ये एक सेट हुआ जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और वो ऑब्जेक्ट लाइक होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में। वो ऑब्जेक्ट होगा 1 2 3 4 5। तो ये जो नोटेशन है वो रोस्टर फॉर्म का है, मींस इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली हमें शो हो रहा है, तो ये रोस्टर फॉर्म का है। सेकेंड फॉर्म हम लोग लिखते हैं, सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट का सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, और इस फॉर्म को हम लोग जानने के लिए पहले एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल है ऑल इवन नंबर लेस देन 10। ऑल इवन नंबर लेस देन 10 मींस इवन नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, यानी 2 4 8 6, ओके। तो इसमें जो हम ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली नहीं लिखे है, इसको हम एक डेफिनेशन के थ्रू लिखे है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, एक सेट लिखे है ए, उसके अंदर क्या रहेगा एक्स, सच डेट, ये जो कॉलम हम लिखे हैं यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सच डेट, ओके। तो एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे हम लोग सच डेट मींस x को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि x क्या है। तो x है x belong to, और इसको क्या हम लोग बोलेंगे, belongs to, ओके। इसको बोलेंगे e का साइन जो है उसको हम लोग बोलेंगे belongs to। ये एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हम लोग लिखने वाले हैं x such that x belongs to natural number। natural number को हम लोग शो करेंगे कैपिटल n से। कैपिटल n का मीन्स है नेचुरल नंबर एंड एक्स जो होगा वो लेस देन होगा 8। मींस जस्ट एज एग्जांपल,
एक्स क्या होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये एक सेट हमारा बन चुका है और ये सेट किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट लिखे वो डायरेक्टली नहीं लिखे, वो किसी लैंग्वेज के थ्रू लिखे है जहां पर बोल रहा है कि x such that x नेचुरल नंबर होना चाहिए as well as x का वैल्यू 8 से कम होना चाहिए। ओके okay? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिंबल के बारे में। सिंबल हम लोग ये वाला सिंबल पहले भी देख चुके हैं, ई का सिंबल है और इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू, मतलब कि वो जो भी है इससे बिलोंग्स करना चाहिए या फिर कर रहा है, तो इस सिंबल का नाम है बिलोंग्स टू। और ये भी ई का साइन है और यहाँ पर क्या है, हम लोग क्रॉस मार्क दिए है, मीन्स ये इसका मतलब होना चाहिए डस नॉट बिलोंग, मतलब बिलोंग नहीं करता है, डस नॉट बिलोंग टू। ओके ये नेक्स्ट सिंबल है कॉलम का, और कॉलम का सिंबल इसका मतलब होगा सच दैट, इसका क्या मतलब होगा सच दैट। ओके और ये लास्ट सिंबल है, लास्ट सिंबल क्या है, लास्ट सिंबल है फॉर ऑल, फॉर ऑल इसको बोलते हैं हम लोग फॉर ऑल। ओके ये कुछ सिंबल हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं जिसका यूज आगे सेट के क्वेश्चन में हेल्प होगा।